अरे सुरेश जी, क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद नजर आए। आपका टाइल लगाने का काम कैसा चल रहा है? हाँ रमेश जी, बढ़िया हूँ। टाइल लगाने का काम तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस काम ने परेशान करके रखा है मुझे। ऐसी क्या परेशानी है? टाइल अब पहले की तरह दीवारों और फर्श पर नहीं लगती, गिर जाती है, टूट जाती है और खोखली आवाज आती है, जिससे नुकसान होता है और ग्राहक हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इसकी वजह से मेरा टाइल लगाने का व्यापार भी पहले से कम हो गया है। अरे सुरेश जी, अभी तो टाइल लगाने के नए तरीके आ गए हैं, जिससे हमारा काम भी आसान हो गया है। एस्कोलाइट के फिक्सो बॉन्ड रेंज से टाइल्स लगाना बहुत आसान है। सही में, लेकिन हम सालों से टाइल लगाने के लिए सीमेंट का ही उपयोग करते आए हैं, तो फिक्सो बॉन्ड रेंज के एडहेसिव से क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है सुरेश जी। जैसे आप जानते होंगे, टाइल्स की साइज पहले से अभी बढ़ गई है। टाइल्स की क्वालिटी में भी वैरायटी आ गई है। पहले की सिरामिक टाइल्स में सीमेंट और पानी का मिश्रण टाइल खींच लेता था, जिससे बॉन्डिंग आसानी से बैठ जाता था। लेकिन अभी की टाइल्स वैसी नहीं आती। अभी की टाइल्स प्लास्टर पर, ड्राईवॉल पर, सीधा कंक्रीट और बहुत सारे दूसरे प्रकार के सरफेसेस पर लगाई जाती है। पहले के दिनों टाइल्स घर के फ्लोरिंग पर, बाथरूम और किचन में लगती थी। इसके अलावा टाइल सीलिंग पर भी लगाई जाती है। आजकल तो घर के बाहर भी टाइल्स लगाई जाती है, इसीलिए फिक्सो बॉन्ड रेंज के ही एडहेसिव्स फायदेमंद होंगे। तो क्या आप मुझे ये नए तरीके से टाइल कैसे लगाई जाती है वो बता सकते हैं? क्यों नहीं सुरेश जी, चलिए मैं आपको हमारी साइट पर ले चलता हूँ। वहीं पर आपको हमारी प्रोडक्ट से टाइल्स लगाने के तरीके बताता हूँ। देखिए सुरेश जी, टाइल लगाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। दीवारों और फर्श पर टाइल लगाने के लिए फिक्सो बॉन्ड प्लस, एक साफ बाल्टी पानी, एक इलेक्ट्रिकल मिक्सर, कुछ टाइल्स, रबर वाला हथौड़ा, लेवल चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल और साहुल यानी कि प्लम बॉब, एक घमेला, एक कन्नी, एक नॉच ट्रॉवल, वैक्यूम सक्शन कप। पहले हम दीवार और फर्श के लेवलिंग चेक करने के लिए साहुल और स्पिरिट लेवल का उपयोग करेंगे। उसके बाद जहां कहीं भी ऊंचा नीचा हो उसे ठीक करने के लिए फिक्सो बॉन्ड प्लस से लेवलिंग ठीक करेंगे। लेवलिंग हो जाने के बाद दूसरे दिन दीवार और फर्श की सफाई करनी होगी, जिससे धूल मिट्टी और कचरा साफ हो जाए, ताकि मिश्रण सही तरीके से लग सके। दीवार और फर्श पर पानी छिड़कें। देखिए सुरेश जी, ये हमारा फिक्सो बॉन्ड प्लस है। एक साफ बाल्टी में 5 से 6 लीटर पानी लें और धीरे धीरे 20 किलोग्राम फिक्सो बॉन्ड प्लस मिक्स करें। मैकेनिकल मिक्सर मध्यम और उच्च गति से चलते हुए पाउडर और लिक्विड को मिक्स करें। मिक्स तब तक करें जब तक चिकना पेस्ट ना बन जाए। चिकना पेस्ट बनने के बाद उसे कुछ देर वैसा ही छोड़ दें और कुछ देर बाद फिर मिक्स करें। दीवारों पर चिपकाते समय चिकना पेस्ट फिसलना नहीं चाहिए। एक नॉच ट्रॉवल का उपयोग करके दीवार पर फिक्सो बॉन्ड प्लस का मिश्रण लगाएं। टाइल के पीछे भी फिक्सो बॉन्ड प्लस का मिश्रण लगाएं। फिर टाइल को वैक्यूम सक्शन कप से उठाकर दीवार के मिश्रण पर पकड़ बनाएं। टाइल को दबाकर मिश्रण पर सेट होने के लिए उसे खिसका कर दबाएं, ताकि पकड़ मजबूत बैठे और लेवल सही हो जाए। दीवार और फर्श पर टाइल लगाते समय चिपकाने के बाद वापस टाइल को उठाकर देखें कि टाइल के बीच में मिश्रण पूरी तरह से लगा है कि नहीं। ध्यान रहे, दीवार और टाइल के बीच का लेयर 3 mm से 6 mm तक होना चाहिए। फिर टाइल की लेवलिंग चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग करें और हर टाइल्स के बीच टाइल स्पेसर 1.5 mm से 3 mm तक लगाएं। टाइल जॉइंटिंग का काम खत्म होने के बाद 24 घंटे के लिए दीवार और फर्श को सूखने छोड़ दें। एस्कोलाइट के एस्कोफाइन ग्राउट या फिर एस्कोपॉक्सी वाले मनपसंद कलर से ग्राउटिंग करें। देखा सुरेश जी, कितनी आसानी से टाइल लगाने का काम हो गया। हाँ रमेश जी, ये तो बहुत आसान था। इससे कम वक्त में काम भी हो गया और संतोषजनक मजबूती भी मिल गई। मैं भी अब से एस्कोलाइट के फिक्सो बॉन्ड और फिक्सो बॉन्ड प्लस का उपयोग करूंगा मेरे टाइल लगाने के काम में। ये हुई ना बात। एस्कोलाइट, अ बेटर सॉल्यूशन।